आप लोग बहुत सारे परिंदों को पटरियों के ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं, जो कि मुसाफिरों और राहगीरों के फेंके जाने वाले कचरे की वजह से हैं। मैं मुसाफिरों से और राहगीरों से अल्तमास करता हूँ कि पटरियों पर या उसके करीब कचरा न डालें, जो सेहत के साथ साथ ट्रेनों के ऑपरेशन के लिए भी खतरनाक होंगे। थैंक यू। टक शॉप से एक अच्छी दूध पत्ती चाय पीने को मिली। दिग रोड स्टेशन पर एक छोटी सी मस्जिद भी देखने को मिली, जहां पर लोग नमाज मगरिब अदा कर रहे थे। ये मस्जिद बहुत पुरानी है। मैं रेलवे हकाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस मस्जिद की तामीर नो की जाए। शुक्रिया। इस स्टेशन पर बुकिंग ऑफिस, ट्रेन शेड, टक शॉप, मस्जिद, एडवांस बुकिंग और पार्किंग सभी कुछ है। चूँकि ड्रेगोरोड स्टेशन शहर के दरमियान में वाक़ है, इसलिए मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाने वाले लोग यहां से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। 5 अप ग्रीन लाइन, 7 अप तेज़गाम, 41 अप कराक्रम एक्सप्रेस पर सफ़र करने वाले मुसाफरों को कराची कैंट या कराची सिटी स्टेशन जाना पड़ता है। क्योंकि इन गाड़ियों का यहाँ पर स्टॉप नहीं है और कैंट जाने के लिए ड्रिग रोड ही वाहिद जरिया है, जहाँ पीक आवर्स में ट्रैफिक का बहुत रश होता है और मुसाफिरों का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और मुसाफिरों को कई कई घंटे पहले कैंट, कराची कैंट या कराची सिटी स्टेशन जाने के लिए घरों से निकलना पड़ता है। मैं रेलवे हकाम से गुजारिश करता हूँ कि इन तीनों बड़ी ट्रेनों का स्टॉप ड्रिग रोड स्टेशन पर बहाल किया जाए और लोगों की परेशानी दूर की जाए। शुक्रिया।
हम ड्रिक रोड स्टेशन से जाने ही वाले थे कि अचानक बुलान मेल स्टेशन पर पहुंच गई। बुलान मेल का कल यानी 1 दिसंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताह हुआ था और आज जब यह ट्रेन दोबारा कोयटा के जाने के लिए ड्रिक रोड स्टेशन पर पहुंची तो वैसे ही सजी धजी हुई थी जैसे कल इसको इफ्तिताही तकरीब के लिए सजाया गया था। इसके बाद 5 अप ग्रीन लाइन को कैप्चर किया जिसने मुनासिब रफ्तार से ड्रिक रोड स्टेशन को थ्रू पास किया। वन अप खैबर मेल AG30 की क्यादत में अपने मुकर्रा वक़्त से 5 मिनट लेट प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंची। ट्रेन का अराइवल देखा, लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा और उसके बाद अपने भाई मसूद अहमद मुगल जो हमारे साथ आया था उसको हमने खैबर मेल पर रुख्सत किया जो कि डहरकी के लिए सफ़र कर रहा है। इसके बाद मैं फाद साद ने अपने घर की राह ली। इंशाल्लाह फिर कभी हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। I hope you all must have enjoyed this video. Thank you. Thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe my vlog.